नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BLE Hub में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की वीडियो में दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स है। ऐसे तो काफ़ी सारी अपडेट्स जो हैं CSE की तरफ से आई हुई हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको दो ही अपडेट्स जो हैं देने वाले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, एक तो आपके वर्क को लेकर है जिसमें आपको और ज़्यादा इनकम जो है जनरेट करने का मौका मिल रहा है, और ज़्यादा अर्निंग करने का मौका मिल रहा है। और दूसरी न्यूज़ दोस्तों इस तरह की है कि अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो आपकी जो CSE ID है वो बंद हो सकती है। तो इन दोनों ही टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और जो लोग ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहली न्यूज़ जो हम बात कर लेते हैं जिसमें CSE ID को बंद होने की बात की जा रही है। तो देखिए, यहाँ पे एक ट्वीट किया गया है, ये दिनेश त्यागी जी के द्वारा भी ट्वीट किया गया था और CSE JN के, जहाँ अपने अपने स्टेट की जो भी CSEs हैं उन्होंने यहाँ पे ट्वीट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम CSE JN के की बात करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा कि फिजिकल वेरीफिकेशन ऑफ एवरी CSE इज़ मैंडेटरी, काइंडली कंटेक्ट यूर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर टू विजिट यूर CSE सेंटर फॉर फिजिकल वेरीफिकेशन। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि फिज़िकल वेरिफिकेशन जो है हर एक CSE सेंटर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, मैंडेटरी है। इसलिए अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से आप क्या करें, कांटेक्ट करें और अपने सेंटर की जो है फिज़िकल वेरिफिकेशन करवा लें। हर एक CSE जो है वो वेरीफाइड होगा। अगर वो CSE वेरीफाइड नहीं होगा, कोई सेंटर वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नहीं आ रहा है उसकी वेरीफिकेशन के लिए, तो उसका सेंटर जो है वो बंद हो सकता है। अब इसमें इशू ये रहता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नहीं आ रहा है आपकी वेरिफिकेशन करने के लिए तो आप क्या करेंगे? तो आप स्टेट टीम है उसमें उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टेट टीम के बाद आप सीधा सेंट्रल टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, ट्वीट है दिनेश जी को ट्वीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी बात करें अगर, तो मेरे को लगता नहीं है कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कोई होगा जो आपके पास नहीं आएगा अगर आप उसको बुलाएंगे तो। हेल्प करते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को जो है आप कनेक्ट करें तो वहाँ से जो है आपकी वो फिज़िकल वेरिफिकेशन कर देंगे। एक न्यूज़ दोस्तों ये है। और दूसरी न्यूज़ है जिसमें आपको अर्निंग के लिए एक अवसर मिल रहा है, तो उसके हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दूसरी न्यूज़ में दोस्तों को क्या बताया गया है कि आप अब जो है महिंद्रा फाइनेंस का जो है वो कैश कलेक्शन कर सकते हैं, यानी कि जो EMI होती है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कैश कलेक्शन कर सकते हैं। तो ये भी सिर्फ न्यूज़ में दे रहा हूँ और इसमें आप क्या कर सकते हैं, 50 रुपये तक का जो है कमीशन अर्न कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आप चाहे अमाउंट कलेक्ट करते हैं 5,000 का, चाहे 10,000 का, चाहे 25,000 का, चाहे 50,000 का, तो आपकी कमीशन जो है वो 50 रुपये रहने वाली है। ठीक है, तो CSE को ये कमीशन चला जाएगा 10 रुपये, और यानी कि BLE के पास रहेगा TDS कार्ड कूट के 40 रुपये। तो यानी कि 50 रुपये कमीशन में से 10 रुपये CSE लेगी और 40 रुपये कमीशन जो है BLE को मिलेगा। अब इस को कलेक्शन कैसे करना है इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे एक, लेकिन फिलहाल के लिए ये दो अपडेट्स महत्वपूर्ण अपडेट्स थी। एक कि अगर आपने फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवाई तो आपका जो CSE ID बंद हो सकता है, और दूसरा कि आपके पास एक और अवसर आ गया है अगर आप महिंद्रा फाइनेंस की EMI कलेक्शन करते हैं तो वहाँ पर आपको 50 रुपये तक का कमीशन मिल सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद।